हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज में जहाँ मैं पहुँचा था ये कोट कुंडली से 15 किलोमीटर साइड में आगे हूँ, 8 किलोमीटर कोट कुंडली से मैं 8 किलोमीटर आगे हूँ और यहीं पे मैं सोया था। और ये गुज्जर भाई ने क्या व्यवस्था करके दी, मतलब मैं वो सामने जो कैंटीन है वहाँ चाय पीने के लिए मैं रात को बैठा, मतलब कि वहाँ से मैं निकला और झंडा और ये तिरंगा और भगवा देख के भाई ने जय श्री राम बोला, मैंने भी जय श्री राम बोला और मैं फिर वहाँ गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, गुज्जर भाई बोले कि अभी आप तुम यहीं पे रुक जाओ, सब सुविधा है, आगे जाने से बेटर है कि यहीं रुक जाओ। तो फिर यहीं पे सो गया था और आज आरंभ करूँगा रात के 12 बजे। फिर यहाँ से बॉर्डर अभी 40 किलोमीटर ही दूर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आज 30 किलोमीटर चल के 10 किलोमीटर बॉर्डर जो है मैं कल सुबह कवर कर लूँगा, क्योंकि मैं दिन में अगर बॉर्डर कवर करूँगा, वैसे तो बॉर्डर यहाँ से 3 किलोमीटर ही है, अगर साइड से मैं जाऊँ तो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर बॉर्डर है, 3 से 4 होगी ना। और धूल मिट्टी की वजह से इसलिए नाक इतनी बंद हो रखी है मेरी कि मत पूछो, क्योंकि थोड़ी तबीयत थोड़ी आज डाउन थी रात को, पता नहीं क्या हुआ था लेकिन तबीयत थोड़ी डाउन थी। और भाई आज तो क्या है कि कुछ ज़्यादा कुछ ब्लॉग में नहीं है, क्योंकि कपड़े वपड़े में धो लूँ और आज का दिन आराम कर लूँ, उसके बाद सुबह में जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगी या दोपहर के बाद यहाँ से मैं निकलूँ, कोई नक्की नहीं है। और ये गुज्जर भाई की खेत है, यहाँ पहुँचने के बाद नींद भी मस्त आई, पता नहीं आज क्या हुआ, थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, टेबलेट है लेकिन सोच रहा हूँ लूँ या ना लूँ। और चलो यार बस आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आज आराम ही करूँगा और कल यहाँ से मैं निकलूँगा, बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। पूरा दिन तो क्या है कि सोने में ही निकाला, वो बोले आगे से बेटर है कि आप इधर ही रुक जाओ, ये इनका होटल का काम चालू है और ये अभी खाना लेके भी आ गए। तो भाई अभी खाना खा के फिर बाहर का नज़ारा देखूँगा, क्योंकि आज तो क्या है कि मैंने रेस्ट किया, क्योंकि